स्वागत है आपका यूरेका एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और पिछला जो हमने क्लास किया था, पिछले क्लास में हमने टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर डिस्कस करना शुरू किया था। इसमें हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट को डिस्कस किया था, फर्स्ट टेस्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब उस 50 क्वेश्चन के आगे डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। और ये एक क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे के पेज पे दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन कि इन रिमर टीमन रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज, रिमर टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है। और मोस्टली बच्चों ने दिया है आंसर डाई क्लोरोकार्बिन्स, और जिन बच्चों ने भी डाई क्लोरोकार्बिन्स दिया है सबका सही है, राइट। हम लोग शुरू करते हैं उस 50 क्वेश्चन से आगे, राइट। करीब करीब 8-10 बच्चे आ गए हैं जो लाइव हैं, और धीरे धीरे बच्चे अभी और जुड़ जाएंगे। संजीव भारती जी, गुड आफ्टरनून। चलो, हमारा क्वेश्चन है द पीएच ऑफ 0.02 NaCl सॉल्यूशन इज। NaCl सॉल्यूशन है जिसका कंसेंट्रेशन के बारे में 0.02, तो इस NaCl का पीएच कितना होगा, इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि ये NaCl सॉल्ट किसका बना हुआ है। ये NaCl सॉल्ट बना हुआ है NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड प्लस HCl, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके क्या बन गया है, NaCl। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, और जब सॉल्ट न्यूट्रल होगा तो इसका पीएच 7 होगा। तो 51 का आंसर है सी, 51 का आंसर है सी। मौर्या जी ने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है, 51 का आंसर किया है मौर्या जी ने, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4, इसकी सॉल्युबिलिटी Ag2CrO4 इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज S। अगर Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी को हमने S माना है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। हाँ जी, सूची दुबे का सही है, अर्थ क्लासेस सही है, बीरपाल सिंह 51 का सी सही है, मौर्या जी ने दिया है 52 का डी, ये भी मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, Ag2CrO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक होता है 2Ag प्लस एंड प्लस CrO4 2 माइनस के फॉर्म में। इसको S माना, इसको S माना, तो KSP इज इक्वल टू हो गया 2S का स्क्वायर और इनटू S, ये हो गया 4S क्यूब यानी कि D। 52 का आंसर है D। तो मौर्या जी ने 52 का आंसर किया है D, करेक्ट है। बीरपाल सिंह ने कर दिया है 52 का D, करेक्ट है। सची दुबे ने कर दिया है 52 का D, करेक्ट है। और अर्थ क्लासेज ने भी कर दिया है 52 का D, ये भी करेक्ट है। अर्थ क्लासेज जो ही है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ अगर मैसेज करते हैं तो ज्यादा सही है। संजीव भारती ने भी कर दिया है 52 का डी, करेक्ट है। जिन्होंने भी 52 का डी किया है उन सबका करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट 53 नंबर, ये तो सबसे आसान सा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर KCl। KCl का ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, KCl का ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है। निप्पो सिंह ने 52 का डी कर दिया है, करेक्ट है। KCl के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, KCl ब्रेक होगा K प्लस एंड प्लस Cl माइनस में। अगर इसका कंसेंट्रेशन C मानते हैं इनिशियली तो ये 0-0 है, और आफ्टर सम टाइम ये C अल्फा बन गया, तो ये क्या हो गया, C माइनस C अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं C into 1 माइनस अल्फा। अगर इसके K की वैल्यू लिखें तो K की वैल्यू क्या होगी, C अल्फा इंटू C अल्फा और अपॉन C into 1 माइनस अल्फा। सी से सी कैंसिल, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कहाँ है,
सी स्क्वायर सी एस अल्फा स्क्वायर अपन वन माइनस अल्फा का है, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी वन माइनस अल्फा, ये फर्स्ट ही हो गया। 53 का है फर्स्ट, 53 का ए, 53 का ए, मौर्या जी ने 53 का ए दिया है करेक्ट है, बीरपाल सिंह ने 53 का ए दिया है करेक्ट है, निप्पो सिंह ने 53 का ए दिया है करेक्ट है, सची यादव ने 53 का ए दिया है करेक्ट है, अर्थ क्लासेस 53 का डी गलत हो गया, और संजीव भारती ने दिया है 53 का ए सही है, और अर्थ क्लासेस ने बताया है कि सर मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलो मैंने मान लिया कि आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, नेक्स्ट करते हैं। पेन को थोड़ा सा सर एंड पोजीशन पे, ये तो एंड पोजीशन पे, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। एंट्रोपी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? मेरे ख्याल से नहीं है। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मेरे को ये लग रहा है, फिर आगे फिर भी पढ़ लेते हैं हम। एंट्रोपी डिक्रीजेज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज ही करता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इंक्रीज भी कर सकता है। और एंट्रोपी इंक्रीजेज एज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज कर जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। आंसर क्या है? एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है 54 का बी। एंट्रोपी सिस्टम में रखे हुए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, सिस्टम में रखे हुए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मौर्या जी ने सही आंसर कर दिया है, निप्पो सिंह ने सही आंसर कर दिया, संजीव भारती ने सही आंसर कर दिया, बीरपाल सिंह ने सही आंसर कर दिया, सचित दुबे ने सही आंसर कर दिया है, जिन्होंने भी 54 का बी किया है उन सबका सही है। नेक्स्ट 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सही तरीके से मैच किया हुआ है, इनमें से कौन सही तरीके से मैच किया हुआ है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी फॉर मर्करी वेपर इज -1.6 है। द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड इज 2, द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी इज 1.4 फॉर आर्गन, द रेशियो ऑफ सी पी एंड सी बी फॉर ऑल गैसेज इज 1, इनमें से कौन सही है। अच्छा 54 समझ नहीं आया, 54 समझ नहीं आया, चलो जी पहले 54 एक बार देख लेते हैं, 54 समझ नहीं आया। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और सारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सब एंट्रोपी के बारे में दिया हुआ है। एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो सिस्टम में रखे हुए अमाउंट ऑफ गैस पर डिपेंड न करे उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो डिपेंड करता है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एंट्रोपी क्या है, जितना ज्यादा होगा सब्सटेंस उतना ज्यादा क्या होगा, रैंडमनेस, नंबर ऑफ मोल अगर ज्यादा हो गया तो रैंडमनेस ज्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है, एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, राइट। चिप्पू कुंडू सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा पीजीटी केमिस्ट्री एचटेट, सर आप कांटेक्ट कर लीजिए आपको पता चल जाएगा, और कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, तो ध्यान दोगे आप, अगर मोनोएटॉमिक गैस होता है, मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक गैस के लिए सीपी अपॉन सीवी होता है 1.6, डायटोमिक गैस के लिए होता है 1.4, और पॉलीटोमिक गैस के लिए होता है 1.3। ये मोनोटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, पॉलीटोमिक के लिए। अब बताओ मरकरी वेपर क्या होगा, मोनोटोमिक होगा, तो इसके लिए वैल्यू कितनी 1.6। हाइड्रोजन क्लोराइड डायटोमिक है, इसके लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1.4 होनी चाहिए, 2 दिया गलत है ये। और
आर्गन के लिए क्या, आर्गन मोनोटोमिक होता है, तो इसके लिए 1.6 होना चाहिए था, ये भी गलत है, और ये बोल रहा सभी सभी गैसेस के लिए 1, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया, 55 का ए, 55 का ए जिन्होंने भी दिया है सबका सही आंसर है। जलंधर कुमार ने दिया 55 का ए, संजीव भारती ने दिया 55 का ए, बीरपाल सिंह ने दिया 55 का ए, अर्थ क्लासेस ने 55 का ए, निप्पो सिंह ने 55 का ए, जिन्होंने भी 55 का ए दिया है सबका करेक्ट है। सीपी अपॉन सीबी फॉर मोनोटोमिक गैस इज 1.6, सचिन दुबे ने दिया है 55 का ए, निप्पो सिंह ने दिया 55 का ए। मोनोटोमिक गैस के लिए 1.6 सीपी अपॉन सीबी की वैल्यू, डायटोमिक गैस के लिए 1.4 और ट्राईएटॉमिक और मोर देन ट्राईएटॉमिक के लिए कितना होता है, 1.3 होता है सीपी अपॉन सीबी की वैल्यू। इसलिए इसका आंसर क्या है, 55 का ए। नेक्स्ट 56, एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 विल बी सेम एज दैट ऑफ O2। बोला किस टेम्परेचर पे CH4 का जो एवरेज स्पीड होगा वो इक्वल होगा ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का स्पीड और CH4 का स्पीड किस टेम्परेचर पे इक्वल होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। नहीं तो 56 का आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। 56 का आंसर क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 8RT/πm, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं ये CH4 के लिए और बराबर किसके हो जाए, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के बराबर कर दो, यहां भी 8RT/πm। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 8 कैंसिल होगा, R कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, 8 कैंसिल होगा, R होगा कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, बचा क्या, T/m, रूट खत्म हो गया, तो T/m दोनों तरफ से रूट हमने हटा दिया, और यहां भी क्या, T/m, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस यही हमारे पास बचा हुआ है। टेम्परेचर कितना के बने, CH4 का निकालना है, तो CH4 का टेम्परेचर निकालना है, इसको छोड़ दिया हमने, CH4 का मोलर मास कितना, 16 होता है। टेम्परेचर O2 का दिया हुआ है 300, तो 300 कर लिया, और अपॉन O2 का मोलर मास होता है 32, तो T इक्वल टू कितना हो गया, 300 अपॉन 32 और इंटू 16 16 2 जा 32 32 150, आंसर कितना हो गया, 150 केल्विन। आंसर क्या है, 150 केल्विन। तो 56 का हो गया ए, 56 का ए दिया है निप्पो सिंह ने, बीरपाल सिंह ने 56 का ए, हाँ जी बक्सी मौर्य ने दिया 56 का ए, धीरेन्द्र कुमार ने 56 का ए, सचिन दुबे ने 56 का ए, जितेंद्र कैला ने फर्स्ट दे दिया है, अर्थ क्लासेस ने 56 का ए दे दिया है, संजीव भारती ने 55 पे चल रहे हो, 55 का भी वैसे यही था, 56 का भी यही है आंसर। तो क्या हो गया, आंसर कितना हो गया, 150 केल्विन ए हो गया। नेक्स्ट 57, चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए आप चाहो तो कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए चाहो तो कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो, वैसे मेरा मानना है कि आपके लेवल पे आकर के कैलकुलेटर को यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं हम अगर थोड़ा सा आप मैथमेटिकली स्ट्रांग हैं तब। नेक्स्ट, द टू गैसेस ए एंड बी हैव मॉलिकुलर वेट 144 एंड 64, यानी कि ए का है 154 और बी का कितना है 64, ए का मोलर मास 144 और बी का मोलर मास 64 है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी इन द रेशियो, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1, ये होता है फॉर्मूला। तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 64 डिवाइड बाई 144, ये बी ऊपर में और ए नीचे में, तो कितना हो गया, 8 8 जा 64 और 12 12, यानी कितना हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू हो गया 8 अपॉन 12, ये होगा 8/12,
योग है 8 आर अपॉन 12, 8 अपॉन 12 रेशियो कहाँ है, सी में, 8 अपॉन 12 रेशियो कहाँ है, सी में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निप्पो सिंह ने दे दिया है 57 का सी, अर्थ क्लासे ने दे दिया 57 का सी, संजीव भारती ने दे दिया 57 का सी, सचिन दुबे ने दे दिया 57 का सी, धीरेन्द्र कुमार ने 57 का सी, बीरपाल सिंह ने सी, विकास गुप्ता ने भी सी दे दिया है, और मौर्य जी ने पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फॉर्मूला बताने का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। द वेट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का वेट, द वेट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वुड बी, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना, ऑक्सीजन कितना O2, O2 का मास कितना 32 ग्राम, 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10^23, तो 6.022 इंटू 10^23 है तो मास कितना है 32 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है तो 32 और डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10^23, 6535 से वैल्यू ऊपर आएगी इंटू 10^-23 इंटू 10^-23, यही है आंसर हो गया क्या 58 का ए, 58 का आंसर है ए, विकास गुप्ता ने बता दिया है 53 का ए, 58 का ए, निप्पो सिंह ने 58 का ए, जलेंद्र कुमार ने 58 का ए, सचिन दुबे ने 58 का ए, अर्थ क्लासेस ने 58 का ए, और मौर्य जी ने 58 का ए, और जितेंद्र कैला ने भी बता दिया 58 का ए, इन सबका करेक्ट है। हाँ जी संजीव भारती ने भी बता दिया 58 का ए, आपका भी करेक्ट है, जिन्होंने दिया है 58 का ए उन सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 of the following इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सही तरीके से मैच किया हुआ है, क्या एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 3RT/m होता है ना, ये 3RT/m तो नहीं होता, अभी आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था आपको, तो ये गलत तरीके से मैच है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 5RT/m ये भी गलत है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये नहीं होता। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का होता है ये वाला फॉर्मूला ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हाँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है मोस्ट MPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2RT/m, तो 59 का आंसर क्या है डी, 59 का आंसर किया है विकास गुप्ता ने डी कर दिया है, मौर्य जी ने डी कर दिया है, जितेंद्र कैला ने गलत कर दिया, निप्पो सिंह ने डी कर दिया है, प्रीति जैन ने गलत कर दिया, राजवेगल ने 59 का डी किया है सही है, संजीव भारती ने 59 का सी कर दिया गलत हो गया, अर्थ क्लासेस ने 59 का सी कर दिया गलत हो गया, राजवेगल को गुड आफ्टरनून, बीरपाल सिंह ने 58 का सी, 58 पे भी चल रहे हो, मैं 59 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, 58 क्वेश्चन क्या था मैं भूल भी गया, मेरे को ये भी याद नहीं है 59 क्वेश्चन था क्या, राइट 50 मेरे ख्याल से 59 क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब जो 58 जो आपने दिया हुआ है सी वो गलत है, वो उसका आंसर भी आंसर ए था, संजीव भारती ने कर दिया डी सही है, आंसर क्या है 59 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 नंबर पे, 60 फॉर द प्रोसेस NH3+HCl गिव्स NH4Cl, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको गिवन NH3+HCl विल गिव NH4Cl, इसके लिए ये जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, क्या डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, NH3 और HCl के बीच में क्या बन रहा है बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच होगा क्या नेगेटिव में, और दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो डेल्टा एस में क्या होगा कम हो गया, मैंने बताया क्या नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है तो एंट्रोपी कम एंट्रोपी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल कम होगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, तो यहां दो मोल से क्या बन गया एक मोल, तो डेल्टा एस क्या हो गया ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव हो रहा है डेल्टा एस भी नेगेटिव हो रहा है, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट हुआ नहीं, डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव ये भी गलत हो गया, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव ये भी गलत हो गया, बोथ आर नेगेटिव ये हो गया सही, यानी 60 का आंसर क्या है डी, 60 का आंसर क्या है डी,
और 60 का आंसर डी कौन सा कौन ने किया है? विकास गुप्ता ने बी कर दिया, गलत हो गया। संजीव भारती ने बी कर दिया, गलत हो गया। वीरपाल सिंह ने 60 का डी कर दिया, सही है। जितेंद्र कैला ने कर दिया 60 का डी, सही है। मौर्य जी ने 60 का डी, सही है। जलेंद्र कुमार ने 60 का बी कर दिया, गलत है। निप्पो सिंह ने 60 का डी कर दिया, सही है। अर्थ क्लासेज ने 60 का डी कर दिया, ये भी सही है। जिन्होंने भी किया है 60 का डी, दे ऑल आर करेक्ट। कैसे कैसे पता किया? तो कैसे कैसे पता किया आपको बताया अभी मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट। जब दो चीजों के बीच बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव। और जब दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्रोपी भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, ये कंपाउंड है CH3CO, यानी कि एस्टर है, उसको हमने हाइड्रोलाइज किया तो बन गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा इस रिएक्शन को के लिए, ऑर्डर कौन सा होगा अब बताओगे? चलो, मौर्य जी का ने बताया कि गलती से टाइप हो गया सर, कोई नहीं। आप बताओगे इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कौन सा होगा, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कौन सा होगा? जूम करिए सर, आप अपने उसको सर, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता, सॉरी सर, इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन गलत है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा। बीरपाल सिंह ने दिया 61 का बी फर्स्ट ऑर्डर। मंतोष कुमार ने दिया है ए, गलत है। निप्पो सिंह ने दिया 61 का बी। सर ये है क्या? ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, और एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जिसमें कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो तो उसको क्या कहेंगे हम? दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो दिखने में लगता है वो सेकेंड ऑर्डर, बट होता क्या? फर्स्ट ऑर्डर। इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्चुअली में क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक्चुअली में, क्योंकि अमाउंट ऑफ H2O बहुत ज्यादा है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ H2O बहुत ज्यादा है, इसलिए। नेक्स्ट, 60 का है बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। 62, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा, यह क्वेश्चन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या होगा? यह तो याद ही होगा सर, सेकेंड ऑर्डर के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट, यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाता है यूनिट? के इज इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का, ये सेकेंड ऑर्डर के रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का पूछता तो क्या होता? सिर्फ सेकेंड इनवर्स। और अगर जीरो ऑर्डर का पूछता तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला। और 62 का ए दे दिया है, सही है। निपो सिंह ने 62 का ए दे दिया है, मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। निपो सिंह ने दे दिया 62 का ए। संजीव भारती ने 62 का डी, नहीं होगा सर, सेकेंड ऑर्डर का पूछा है सर, सेकेंड ऑर्डर का ये है। जिन्होंने भी 62 का ए किया है उनका सही है। संजीव भारती ने कर दिया 62 का डी, गलत है। अर्थ क्लासेज ने 62 का ए कर दिया है, गलत है। वीरपाल सिंह ने 62 का ए कर दिया है, सही है। विकास गुप्ता ने ए कर दिया। मंतोष कुमार ने 62 का बी कर दिया है, बी नहीं होगा सर। लीटर कहाँ गया? यहाँ कंसंट्रेशन है, लीटर कहाँ गया सर? जलंधर कुमार ने कर दिया 62 का ए। जिन्होंने भी 62 का ए किया है उनका सही है। अभी मैंने बताया सेकंड ऑर्डर के लिए ये होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ सेकंड नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दे दिया है सिर्फ टाइम, तो टाइम इनवर्स लिख दिया है। फर्स्ट ऑर्डर होता तो सिर्फ सेकंड इनवर्स लिखते, और जीरो ऑर्डर होता तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन किसके है? रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल है, यानी रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? के हो गया। एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो ऑफ द रिएक्टेंट, तो ऑर्डर कौन सा होगा? इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा? द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अगर रेट के इक्वल हो गया तो ऑर्डर कौन सा होगा? रेट के इक्वल हो गया तो ऑर्डर कौन सा होगा? रेट के इक्वल कब हो सकता है?
जब यहां हमने कंसंट्रेशन ले लिया ए पे पावर जीरो, किसी के भी पावर जीरो मतलब क्या, वन, तो रेट क्या हो गया, के इक्वल हो गया, और जब रेट के इक्वल होगा तो ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। तो जिन्होंने भी आंसर किया है 63 का डी, उन सबका सही है। जिन्होंने भी आंसर किया है 63 का डी, उन सबका सही है। मंतोष ने कर दिया डी, निप्पो सिंह ने डी, निप्पो सिंह ने डी कर दिया है, मंतोष ने डी कर दिया है, बिरपाल सिंह ने डी कर दिया है, जितेंद्र कुमार ने डी कर दिया है, जितेंद्र कैला ने डी कर दिया है, विकास गुप्ता ने डी कर दिया है, मौर्य जी ने डी कर दिया, अर्थलासन ने डी कर दिया है, जलंधर कुमार सर 63 चल रहे हैं, आपके पास 64 आंसर कैसे आ गया सर, 63 चल रहे हैं। और संजीव भारती ने भी 63 का डी कर दिया है, गलत सही है। जिन्होंने भी किया 63 का डी, सबका सही है। नेक्स्ट, द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ एनी लिक्विड इज, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट होता क्या है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं के एफ को, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं के एफ को। आपने सुना होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये के एफ, आई को फिलहाल छोड़ दो, आई की जरूरत नहीं है मेरे को फिलहाल, तो के एफ इंटू एम होता है। ये के एफ क्या कहलाता है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो बोल रहा है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के लिए द ड्रॉप इन फ्रीजिंग पॉइंट विथ डिजॉल्व ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए जब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं हम किसमें, 1 केजी सॉल्वेंट में। देखते हैं और आगे, द फॉल इन फ्रीजिंग पॉइंट विद द डिजोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर के जी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, अगर मोलालिटी 1 हो जाए, अगर इसको हम 1 कर लेते हैं तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ की इक्वल हो जाएगा। अगर हमने मोलालिटी को 1 कर दिया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है फॉर्मूला, अगर इसको हमने 1 मान लिया तो के एफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा कब, जब मोलालिटी हो जाएगा 1, मोलालिटी 1 कब, मोलालिटी 1 कहने का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आंसर क्या होगा, बी, द फॉल इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना व्हेन द डिजॉल्यूशन ऑफ 1 मोल, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोलालिटी होता है। तो 64 का आंसर है डी, संजीव भारती ने 63 का डी कर दिया है, दिख नहीं रहा सर, दिख नहीं रहा सर, सर शायद इसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं। चलो, मोलैरिटी अगर 1 हो जाए, तो मोलैरिटी क्या है, 1 हो जाए तो ये होगा आंसर 64 का बी। और जिन्होंने भी 64 का बी किया सबका सही है, बीरपाल सिंह, मंतोष कुमार, संजीव भारती ने ए कर दिया गलत हो गया, अर्थ क्लासेस ने बी कर दिया सही है, बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई भी चीज फ्रिज हो रहा है तो 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। निपो सिंह ने बी कर दिया है सही है, जितेंद्र ने कर दिया है बी सही है, विकास गुप्ता ने बी कर दिया सही है, ए नहीं होगा, ये ए में अंतर देखो क्या है, ये 1 ग्राम है, हम लोग 1 मोल की बात, मोलालिटी क्या होता है, 1 मोल होता है, प्रीति जैन ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी होता है 1 मोल, 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर डालते हैं 1 केजी सॉल्वेंट में तो उसको फॉर्मुलिटी कहते हैं, हम यहाँ फॉर्मुलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मोलालिटी की बात कर रहे हैं, मोलालिटी 1 मोल से होता है, राइट। नेक्स्ट 65 नंबर है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो रॉल्स लॉ में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है पी ए नॉट माइनस पी सॉल अपॉन पी ए नॉट और इज इक्वल टू क्या होता है, काई बी होता है, यानी किसके इक्वल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, डी है आंसर है डी। सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब बच्चे ने कर दिया है 65 का डी, मौर्य जी ने कर दिया, मंतोष कुमार ने कर दिया, प्रीति जैन ने कर दिया, विकास गुप्ता ने कर दिया, मंतोष कुमार ने कर दिया, संजीव भारती ने कर दिया और जितेंद्र कैला ने भी कर दिया 65 का डी, ये तो सबको पता है, जलंधर कुमार ने भी कर दिया, अर्थ क्लासेस ने भी कर दिया, चलो ये सब तो सबको पता था कि आर एल बी पी इज इक्वल टू काई बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट,
वीरपाल सिंह ने भी कर दिया और जलंधर कुमार ने भी कर दिया. राइट, नेक्स्ट. 66. इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज गैस द क्लॉडेड सिस्टम इज नोन एज. अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो ऐसे सिस्टम को क्या, कौन सा क्लॉडेड कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम अगर गैस हो तो ऐसे सिस्टम को कौन सा क्लॉडेड कहते हैं? क्या एरोसॉल कहते हैं, एल्कोसॉल कहते हैं, बेंजोसॉल कहते हैं, हाइड्रोसॉल कहते हैं? हाइड्रोसॉल मतलब डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो, बेंजोसॉल मतलब बेंजीन हो, एल्कोसॉल मतलब एल्कोहल हो. तो आंसर क्या हो गया? ए. अगर एयर होगा तो क्या कहेंगे हम? एरोसॉल कहेंगे. यानी प्रीति जैन का 66 का ए है, निपो सिंह का 66 का ए है, संजीव भारती का ए है, बिरपाल सिंह का ए है, अर्थ क्लासेस का ए है, मंतोष कुमार का ए है, जलंधर कुमार का ए है, और जितेंद्र कैला का ए है, रोहित कुमार का भी ए है और मौर्य जी का भी ए है. जिनका भी आंसर ए है उन सबका सही है. नेक्स्ट. 67. मिल्क क्या है? मिल्क क्या है? जेल है, जेल है, सॉल है, एरोसॉल है, इमल्सन है. मिल्क क्या है? मिल्क क्या है? जेल है, सॉल है, एरोसॉल, इमल्सन है. मिल्क के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड फॉर्म में है. जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम इमल्सन. आंसर क्या है? डी. दोनों डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर सबका सही है, प्रीति जैन का डी सही है, अर्थ क्लासेस सही है, संजीव भारती का सही है, विकास गुप्ता सही है, रोहित कुमार का भी सही है, निप्पो सिंह का भी सही है, मौर्य जी का. सर 67 चल रहा है, सर सर 67 है, मौर्य जी 67 है, जलंधर कुमार का 67 का डी है, मंतोष का डी है, जितेंद्र कैला का भी डी है, बीरपाल सिंह का भी डी है. जिनका भी डी है उन सबका करेक्ट है. नेक्स्ट. 68. व्हेन टू लिक्विड आर मिक्स टू गिव एन आइडियल सोल्यूशन. दो लिक्विड को मिलाया और बन गया क्या? आइडियल सोल्यूशन. तो आइडियल सोल्यूशन जब बना तो इनमें से कौन सा, ये जो चार पॉइंट लिखा हुआ है, इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट गलत है उसको देखना है. द वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी एम इज इक्वल टू जीरो. हाँ, डेल्टा वी मिक्स क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन में जीरो होता है. इनथैल्पी चेंज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच भी क्या होता है? डेल्टा एच मिक्स भी क्या होता है? जीरो होता है. ये भी सही है. द इंट्रोपी चेंज, सर इंट्रोपी में ज्यादा चेंज नहीं होता, इंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है. राइट. द एक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन आर इक्वल टू देयर मोल फ्रैक्शन. बिल्कुल मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है. हमने क्या पढ़ा हुआ है? पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? काई ए. पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? काई बी. ये हमने पढ़ा हुआ है. यानी कि प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि फर्स्ट सही हो गया, सेकंड सही हो गया और फोर्थ सही हो गया. वन टू और फोर कहाँ है? वन टू और फोर ये है. आंसर इज 68 का सी. 68 का सी. प्रीति जैन ने 68 का सी दिया है, जितेंद्र कैला ने कर दिया 68 का बी. 68 का बी गलत है सर. 2, 3, 4. सर ये फर्स्ट तो सही है सर. डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो होता है. आइडियल सोल्यूशन के अंदर डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, ये बात मान के चलना है आप. प्रीति जैन ने कर दिया है 68 का सी, बीरपाल सिंह ने कर दिया है बी गलत है, निपो सिंह ने सी कर दिया सही है, मौर्य जी ने सी कर दिया सही है, संजीव भारती ने सी कर दिया सही है, जलंधर कुमार ने सी कर दिया सही है, मंतोष कुमार ने सी कर दिया, मंतोष कुमार का भी सही है. नेक्स्ट. 69. ये तो लग रहा है क्या है? न्यूमेरिकल सही है. चलो क्वेश्चन है कि 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है 4 ग्राम, जिसको हमने डिजॉल्व कहां किया? 250 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर दिया. द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको गिवन है. कितना गिवन है? 0.087, 0.087. और मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का पूछा जा रहा है, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट पूछा जा रहा है इज इक्वल टू व्हाट? गिवन क्या है? 4 ग्राम. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम. एम क्या? मोलालिटी. मोलालिटी में क्या होता है? मोलर मास. मोलालिटी की जगह हमने पुट कर दिया 4 ग्राम, 4 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास पूछा जा रहा है और इंटू 250 सॉल्यूशन है. केएफ की वैल्यू गिवन है, केएफ की वैल्यू कितना गिवन है? 1.85. तो केएफ की वैल्यू पुट कर दो, केएफ की वैल्यू पुट कर दो,
केएफ की वैल्यू की जगह ने क्या पुट कर दिया, 1.85। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी गिवन है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू ये गिवन है 0.087, तो इसको ही पुट कर दिया हमने। डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है 0.087। अब यहाँ से एम बी निकाल, मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करना है, कितना होगा 1.85 इंटू फोर, इसको डिवाइड कर दिया फोर टाइम्स, फोर इंटू फोर और डिवाइड बाई 0.087। ये यहां से कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, हाँ जी रॉल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, पिछले क्वेश्चन का आंसर था ये 69 का बी कर दिया निप्पो सिंह ने, जितेंद्र कुमार ने कर दिया 69 का बी, बीरपाल सिंह ने कर दिया 69 का बी, 69 का बी लग तो वैसा ही रहा है 16, यहां से दो जीरो हटा देते हैं, यहां कर दिया हमने, यहां कर दिया इसको अगर हमने तो पॉइंट करीब एक के आसपास, हाँ करीब करीब वही आ रहा है 16, 18, 34, हाँ करीब करीब आ जाएगा इसका 341 के आसपास की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 341 के आसपास की वैल्यू होगी, तो आंसर क्या होगा 69 का बी है आंसर 69। आप सॉल्व करोगे तो ये इतनी वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके देख लेना 0.85 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.087, तो आंसर क्या होगा 69 का बी है आंसर। सर फटाफट आपको करना होगा, आपको करने आना चाहिए और फटाफट करने आना चाहिए, कैलकुलेशन अर्थमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जब तक आपका अर्थमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होगा तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, राइट। नेक्स्ट ये फिर से सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, फॉर द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन है फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, द फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स का कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्स क्या होता है लेस देन जीरो, मतलब क्या होगा मिक्स किया दशमलव दशमलव मिक्स किया तो हो सकता है 20 ml नंबर बनकर के 20 ml से कम बने, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा क्योंकि दो चीजों के बीच बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, इसके बाद चूंकि दो चीजों के बीच बॉन्ड बन रहा है, दो चीजों के बीच जब बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, दो चीजों के बीच बॉन्ड है तो डेल्टा एस क्या होगा यह भी कम हो जाएगा जीरो, तो यह सही है यह सही है यह सही है, यह स्टेटमेंट गलत है, टोटल प्रेशर कम हो जाएगा बिकॉज दो चीजों के बीच बॉन्ड बन रहा है तो टोटल प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा, आंसर क्या है 70 का डी, आंसर क्या है 70 का डी, मंतोष कुमार ने डी दे दिया है, पृथ्वी जैन ने डी दे दिया है, जनेंद्र कुमार ने डी दे दिया है, मंतोष कुमार ने फिर से डी कर दिया, मौर्य ने डी कर दिया है, जितेंद्र कैलर ने कर दिया है डी, जिन्होंने भी डी किया है सबका सही है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए वो सब कुछ गिवन है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा बिकॉज पहले दिन आप गए जिम में, मान लेते हैं एग्जांपल देता हूं मैं, पहले दिन आप गए जिम और गए और 5 किलो का डंबल लिया उठाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही आपको इंस्ट्रक्टर ने देखा इतना बड़ा हट्टा कट्टा इंसान है और 5 किलो का डंबल उठा के डंबलिंग कर रहा है तो इट्स बेटर कि 5-5 किलो को मिक्स कर देते हैं, 10 किलो कर देते हैं, 10 किलो का डंबल उठाओ आप करो, 10 किलो का डंबल भी आराम से आप कर लोगे यूं, लेकिन रेट ऑफ लिफ्टिंग क्या होगी, रेट ऑफ लिफ्टिंग कम हो जाएगी यूं धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, राइट। तो मतलब क्या हुआ, दो एक डंबल ये और एक डंबल ये दोनों डंबल के बीच अट्रैक्शन हो गया, बॉन्ड बन गया, जब बॉन्ड बना तो क्या हुआ, तो रेट ऑफ लिफ्टिंग क्या हो गई कम हो गई, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हुआ कम बना, और यहां बोल रहा क्या वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, तो आंसर क्या होगा डी, डी गलत है। नेक्स्ट 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन, 71 न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सा है, फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, जुड़ तो सब रहा है, ये भी जुड़ रहा है ये भी जुड़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सा है, ये वाला सी, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं, आंसर क्या है 71 का सी, आंसर है 71 का सी, मंतोष ने दे दिया है सी, मौर्य ने दे दिया है सी, जितेंद्र कैलर ने सिर्फ 71 लिख के छोड़ दिया है, बीरपाल सिंह ने सी, निप्पो सिंह ने सी,
जितेंद्र कल्याण ने दे दिया क्या सी, जिन्होंने भी दिया है सी सबका सही है। सबका सबका सही है। संजीव भारती ने भी दे दिया है 71 का सी। यू ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट 72। इफ द डिके कॉन्स्टेंट फॉर C14, C14 का डिके कॉन्स्टेंट दिया हुआ कितना 2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2.31 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डिके कॉन्स्टेंट गिवन है कार्बन का। फाइंड हाफ लाइफ। अब बताओ हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। पूछोगे सर ये फॉर्मूला क्यों लिया, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है और जितने भी डीके होगा जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं उन सब में फर्स्ट ऑर्डर ही फॉलो करता है। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो गया 0.693 और डिवाइड बाई 2.31 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। माइनस 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, तो ये हो जाएगा क्या 6.9 इंटू 10 टू पावर 3 और डिवाइड बाई 2.3। 3 इंटू 10 टू पावर 3, 3 इंटू 10 टू पावर 3 कौन सा है, ये करीब 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 ये वाला है। हाँ करीब करीब ये वाला ठीक है। आंसर क्या होगा 72 का बी। और सबने दे दिया 72 का बी, मौर्या जी ने 72 का बी, बीरपाल सिंह ने 72 का बी, और मौर्या जी ने क्या लिख दिया है ये। हाँ जी लेमडा क्या है उसको के आप उसको कह लो ना, लेमडा क्या क्यों कहोगे आप। निपो सिंह ने कर दिया 72 का बी, मंतोष ने बी कर दिया, जितेंद्र ने बी कर दिया, संजीव भारती ने बी कर दिया, जिन्होंने भी बी किया है उन सबका सही है। प्रीति जैन ने भी कर दिया 72 का बी। प्रीति जैन जी थोड़ा सा फास्ट आप आंसर किया कीजिए और मोस्टली क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का आंसर किया कीजिए, गलत सही अपनी जगह पे है, कम से कम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट। 2.3, 3. हाँ सर 3.3 एग्जैक्टली नहीं आएगा, ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है ऑप्शन के उसमें लिखे हुए मिस्टेक है, 3 के आसपास की वैल्यू है। हाँ सर मिस्टेक है मैं मान रहा हूँ, ऑप्शन में मिस्टेक है, 3 के आसपास की वैल्यू होगी ये। नेक्स्ट 73। थोरियम बोल रहा है लूज कर रहा है एक अल्फा पार्टिकल एंड टू बीटा पार्टिकल इन सक्सेसिव स्टेप, द प्रोडक्ट फॉर्म इज, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा। थोरियम लॉस कर रहा है क्या, एक अल्फा पार्टिकल लॉस कर रहा है और दो बीटा पार्टिकल लॉस कर रहा है, तो बनेगा क्या, एक अल्फा पार्टिकल लॉस किया थोरियम ने, एक अल्फा पार्टिकल लॉस किया 90 और 232, एक अल्फा पार्टिकल लॉस किया तो इसमें क्या होगा, ये कम हो जाएगा और ये यहां दो कम होगा यहां चार कम होगा, तो होगा थोरियम 88 और ये होगा 228। फिर दो बीटा पार्टिकल लॉस किया, दो बीटा पार्टिकल लॉस करने से इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब ये बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया 220, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और ये कितना हो गया 90 हो गया, 228 और 90 आंसर कौन सा होगा, 228 और 90 आंसर हो गया डी। 73 का डी करेक्ट है, मंदोज कुमार का करेक्ट है, मौर्य जी का करेक्ट है, संजीव भारती का करेक्ट है, जितेंद्र कैला का गलत हो गया, विकास गुप्ता का करेक्ट है, बीरपाल सिंह का करेक्ट है, निप्पो सिंह का करेक्ट है, मौर्य जी का हाँ जी आइसोटोप से करेक्ट है। नेक्स्ट सेवेंटी फोर, द मेटलर्जिकल प्रोसेस द फ्लक्स यूज फॉर द रिमूविंग एसिडिक इम्प्यूरिटी, एसिडिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, एसिडिक इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, एसिडिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, सिलिका गलत, एसिडिक इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए बेसिक यूज करेंगे ना, न्यूट्रल हो जाएगा बेसिक यूज करेंगे ना, एसिडिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए बेसिक यूज करते हैं और बेसिक इज लाइमस्टोन, बेसिक इज लाइमस्टोन। 74 का सी, मोरेज ने 74 का डी, सोडियम सोडियम कार्बोनेट नहीं सर सी, 74 का सी, 74 का सी, 74 का सी हाँ जी। 75 नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, इनमें आयरन का ओर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, नॉट एन ओर ऑफ आयरन, इनमें से कौन आयरन का ओर नहीं है, कौन आयरन का ओर नहीं है,
इनमें से कौन आयरन का ओर नहीं है, इनमें से कौन आयरन का ओर नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा आयरन का ओर नहीं है, इनमें से कौन आयरन का ओर नहीं है। लिमोनाइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट होता है, क्रायोलाइट नहीं है। क्रायोलाइट किसका ओर है? क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का होता है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का होता है, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का है। इसलिए आंसर क्या होगा? 75 का बी, आंसर है 75 का बी। क्रायोलाइट किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए, 75 का बी। और जितेंद्र ने दे दिया है बी, प्रीति ने दे दिया है बी, विकास गुप्ता ने दिया बी, निपो सिंह ने कर दिया सी। सर कितना फेमस है निपो सिंह जी, आयरन का और सिडराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट 76, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस ऑफ एच सी एल, एन ए सी एल, सी एच थ्री, सी ओ एन ए एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आर। ये दिया हुआ है एच सी एल का, ये दिया हुआ है एन ए सी एल का, और ये दिया हुआ है सी एच थ्री सी ओ एन ए का। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एसिटिक एसिड का क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपको बताना। एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड कहने का मतलब क्या? सी एच थ्री सी ओ ओ एच का। अब देखो सी एच थ्री सी ओ एच कहाँ से मिलेगा आपको, गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है एच सी एल का गिवन है, एन एच सी एल का गिवन है, और ये यहाँ है सी एच थ्री सी ओ, सी एच थ्री सी ओ ओ यहाँ गिवन है, एच सी एल यहाँ है, इसमें अगर हमने कर दिया एच सी एल को ऐड, इन दोनों में अगर हमने एच सी इन दोनों को आपस में ऐड किया तो मिलेगा क्या? सी एच थ्री सी ओ और एच मिल जाएगा, एन ए सी एल एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया एन ए सी एल को। अब माइनस कर दो तो क्या होगा? इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया और एन ए सी एल को माइनस कर दिया। सी एच थ्री सी ओ की वैल्यू है 91, एच सी एल की वैल्यू दिया हुआ है 426, माइनस कर देंगे एन ए सी एल की वैल्यू 126। अब बताओ कितना? 91 प्लस 426.1 माइनस 126, तो 76 का होगा 390। 76 का बी आंसर, 76 का बी। और जिन्होंने भी कर दिया 76 का बी, उन सब का सही है। विकास जी ने कर दिया 76 का बी, बीरपाल सिंह ने 76 का बी, जितेंद्र ने 76 का बी, जलंधर कुमार ने 76 का बी, मौर्य जी ने 76 का बी, निपो सिंह ने 76 का बी, मौर्य जी ने बता दिया सर 390 आएगा, करेक्ट है, ठीक है जी 390 आएगा। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और उसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट 77, द इक्वेशन दिस वन, ये किसका इक्वेशन है? ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग दिस वन। इसको आप एन मानोगे, ये एन है यहां, किसका इक्वेशन है? क्या ये नर्नस्ट का इक्वेशन है, क्या ये गिब्स इक्वेशन है, ये क्या डेवाई इक्वेशन है, या कोई इक्वेशन ये है ही नहीं। 77 का ए है, 77 का ए है, बता दिया है किन्होंने? मौर्य जी ने बता दिया 77 का ए, प्रीति जी ने बता दिया पिछले वाला क्वेश्चन का 391 आ रहा, हाँ आ सकता है। मंतोष कुमार ने भी ये कर दिया, अमिता सिंह ने भी ये कर दिया, मौर्य जी ने भी ये कर दिया है, जितेंद्र कैला ने भी ये कर दिया है, जलंधर कुमार ने ये कर दिया, बिरपाल सिंह ने ये कर दिया, संजीव भारती ने ये कर दिया, निपो सिंह ने भी ये कर दिया है, जिन्होंने भी ए किया है इस क्वेश्चन के लिए सबका सही है। फॉर्मूला क्या होता है? नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये होता है। यहाँ पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है, यहाँ आर टी अपॉन एन एफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट जिन्होंने भी कर दिया 77 का ए, उन सबका सही है। 78, विच टाइप ऑफ चार्जेस डज नॉट डज द एनोड ऑफ डैनियल सेल हैव, डैनियल सेल के एनोड पे कौन सा चार्जेस होता है, डैनियल सेल के एनोड पे कौन सा चार्जेस होता है, डैनियल सेल के एनोड पे कौन सा चार्जेस है, डैनियल सेल के एनोड पे कौन सा चार्जेस है। आप जब देख रहे हो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आपने अपने डिवाइस को ना वर्टिकल कर लोगे आसानी से दिखाई पड़ जाएगा। मंतोष कुमार ने ए कर दिया है नेगेटिव चार्ज, विकास गुप्ता ने 78 का बी कर दिया है, गलत हो गया, निप्पो सिंह ने कर दिया है ए सही है, अमिता सिंह ने कर दिया ए सही है, 79 का बी, 78 है सर, जितेंद्र सर 78 का
78 है सर। कैसे पता चलेगा? मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। तरीका क्या है? एल ओ ए एन, एल फॉर लेफ्ट साइड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड और एन फॉर नेगेटिव। यानी कि जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा और उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और किसको लिखेंगे? कहाँ? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एनोड पे नेगेटिव होगा और ऑक्सीडेशन होगा। पूछा क्या कि एनोड पे कौन सा चार्ज? तो नेगेटिव चार्ज। आंसर क्या हो गया? 78 का ए। 78 का ए, जिन्होंने भी 78 का बी किया है उनका गलत है। 78 का विकास गुप्ता का गलत हो गया और जलंधर कुमार का गलत हो गया, बाकी सबका सही है। मंतोष का सही है, विकास जी का गलत हो गया, निपो सिंह का सही है, अमिता सिंह का सही है, जलंधर कुमार का गलत हो गया, संजीव भारती का सही है, मौर्य जी का सही है और बीरपाल सिंह का सही है। लोन, हाँ जी लोन, एल ओ ए एन, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 79, द ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? नहीं विकास गुप्ता, ये सभी सेल के लिए नहीं है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, जहां केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है उसके लिए है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, उन सब में यही होगा। एल ओ ए एन लोन। सर हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं होगा वैसा। हाँ इसमें कौन सा है? सर ये नहीं होगा, ये फ्यूल सेल तो है ही नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन पूरा है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, आयंस के फॉर्म में ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है? डी, 79 का डी, 79 का डी, 79 का डी। मंतोष कुमार ने सी कर दिया, गलत हो गया, निपो सिंह ने डी कर दिया, सही है, संजीव भारती ने डी कर दिया, सही है, अमिता सिंह ने कर दिया डी, सही है, मौर्य जी ने डी कर दिया, सही है, जलंधर कुमार ने डी कर दिया है, मंतोष कुमार ने डी कर दिया, विपाल सिंह ने डी कर दिया, मंतोष कुमार ने डी कर दिया है, सही है, जिनका भी डी है सही है। देखो वैसे तो पूरा का पूरा आपको रिएक्शन चाहिए, लेकिन आपको अगर मान लो कि पूरा रिएक्शन याद नहीं भी है तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो बनेगा क्या? H2O बनेगा, यहाँ H2O2 बना हुआ, गलत है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन तो है ही नहीं, यहाँ आयंस के फॉर्म में है। किसी मोस्टली रिएक्शन में, फ्यूल सेल के मोस्टली रिएक्शन में आयन यूज नहीं होता, राइट? एक तो इसमें और एक बटन सेल में, जिसको हम लोग मरकरी सेल भी कहते हैं, जो वॉचेज वगैरह में हम यूज करते हैं, उसमें आयंस यूज नहीं होता ओवरऑल रिएक्शन में। तो ये आंसर 79 का डी। नेक्स्ट 80, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? मेरे ख्याल से तो सबका, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से बताओगे डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल होगा। 80 का आंसर, डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल होगा? डेल्टा जी की वैल्यू किसके इक्वल होगा जल्दी से? 80 का सी 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। प्रीति जैन जी गलत हो गया, गलत हो गया प्रीति जैन जी, आरटी लॉग के सी नहीं, सबका सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। हालांकि प्रीति जैन जी कंफ्यूज हो गए, प्रीति जैन जी ने किया क्या है, वो थर्मोडायनेमिक्स याद कर ली और थर्मोडायनेमिक्स में छोटी सी मिस्टेक है। छोटी सी मिस्टेक क्या है? यहां माइनस होता तब, थर्मोडायनेमिक्स में माइनस होता तब कर सकते थे कि 80 का ये होता, लेकिन माइनस यहां है नहीं, इसलिए आंसर क्या है? सी है, 80 का सी, राइट? नेक्स्ट 80 का सी। नेक्स्ट 81, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फोर एलिमेंट, चार एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ए बी सी एंड डी का, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। इनमें से कौन, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? हाँ जी, इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? शिवेंदु कुमार गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। निशांत परासर ने दे दिया सी, सही आंसर है पिछले क्वेश्चन का। शिवेंदु कुमार ने सर टीजीटी टीजीटी मैं समझा नहीं, वैसे ये पीजीटी का डिस्कशन चल रहा है। और इसका आंसर क्या है? द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ फोर एलिमेंट, ये गिवन है। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ए की वैल्यू गिवन है 2.55, बी की वैल्यू गिवन है 1.67, सी की वैल्यू गिवन है 0.40 माइनस में, और डी की वैल्यू गिवन है 0.85।
कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिन्होंने भी 81 का ए किया है उन सबका गलत है, और जिन्होंने भी 81 का सी किया उसका सबका सही है। निपो सिंह का गलत हो गया, अमिता सिंह का सही है, विकास का सही है, ब्रिपाल सिंह का गलत हो गया, जितेंद्र का गलत हो गया, मौर्य जी का सही गलत हो गया, संजीव भारती का सही है, मंतोष कुमार का सही है, जलंधर कुमार का गलत हो गया और मौर्य जी का अब सही हो गया है। याद रखना, जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा एक्टिव मेटल होता है। पोटेंशियल नेगेटिव होगा, एक्टिव मेटल होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, एक्टिव मेटल होगा। तो किसका पोटेंशियल नेगेटिव है? सी का। तो सी क्या है? एक्टिव मेटल है। जो जितना अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, उतना ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। नेक्स्ट, मैं बार बार बता रहा हूं सर, देखो होता क्या है कि मैं भी जाकर के ना एक बार, मैं क्लास लेने के बाद मैं भी जाकर एक बार देखता हूँ घर पे कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बता दिया, तो और मैं देखता हूँ कहाँ अपने फ़ोन पे, तो मैंने अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल किया हुआ होता है। जब फ़ोन को हॉरिजॉन्टल करते हैं तो बड़े आसानी से आपको सारा ऑप्शन दिख रहा होता है। हाँ जी, ऐसा कई बार होता है कि आधा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, कभी जल्दीबाजी के चक्कर में, कभी मतलब पैनिक होने के चक्कर में। तो क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 0.5 फ्राडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में अगर हम इतना फ्राडे करंट पास करेंगे तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। निपो सिंह ने बोल दिया है 82 का ए, और बीरपाल सिंह ने 82 का सी, संजीव भारती ने 82 का बी, निशान प्रसाद ने 82 का बी। सर छोटी सी बात बता रहा हूं, वैसे चल पहले आप आंसर कर दो उसके बाद बताता हूं। निपो सिंह ने कर दिया है ए, अच्छा विकास गुप्ता ने कर दिया 82 का डी। सर निपो सिंह का सही है, बाकी सबका गलत है। निपो सिंह का सही कैसे हुआ? CuSO4 में हमने पहले बार मान लेते हैं करंट डाल दिया, तो ये ब्रेकअप कैसे हो गया? Cu2+ और प्लस SO4 2-। अब कॉपर को डिपॉजिट करना है, कॉपर पे दो पॉजिटिव चार्ज है, डिपॉजिट करेंगे क्या होगा? Cu बनेगा। इसको डिपॉजिट करने के लिए क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही फराडे, एकदम सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही फराडे। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ? दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? दो फराडे। अब दो फराडे से कितना डिपॉजिट हो रहा है? ये कॉपर पूरा का पूरा मतलब कितना? 64 ग्राम। दो फराडे से 64 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, दो फराडे से 64 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 0.5 फराडे से कितना डिपॉजिट होगा? तो 64/2 × 0.5। अब कर लो तुम, कितना होगा? 64 32 32 × 0.5 16 हो गया। आंसर कितना? 16 ग्राम। आंसर है ए, 16 ग्राम। अगर आपने आंसर कर दिया है सी या बी या डी तो सब गलत है, आंसर क्या है? ए है। मंतोष कुमार ने ए कर दिया है, मौर्य जी ने पहले बताया सर 16 होगा, ए बी सी कुछ भी देख लो 16 होगा। सही है। कैसे किया, समझ में आ गया? Cu2+ को डिपॉजिट करने के लिए Cu में क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने क्या बताया? जितना इलेक्ट्रॉन लगेगा उतना ही फराडे आप मान लो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही फराडे। तो क्या हुआ? दो फराडे, दो इलेक्ट्रॉन लगा मतलब दो फराडे हो गया। तो दो फराडे से डिपॉजिट कितना हुआ? 64 ग्राम। दो फ्राडे से 64 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, 0.5 फ्राडे से कितना डिपॉजिट होगा? फटाफट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट 83, ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने से अ मेटल बिकम पैसिव, द मेटल इज। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में किसी मेटल को डालते हैं, और मेटल क्या होता है? मेटल के सर्फेस पे एक पैसिव फिल्म क्रिएट हो जाता है, तो मेटल कौन सा है? किस मेटल के सरफेस पे पैसिव फिल्म होगा? याद रखना, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। बस ये दो मेटल ऐसा है जिसको हमने डाला है नाइट्रिक एसिड में, तो उसके सरफेस पे एक पैसिव फिल्म क्रिएट हो जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम और क्रोमियम नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? एल्यूमिनियम, सी। 83 का सी। मंतोष कुमार ने ए कर दिया, निपो सिंह ने डी कर दिया, गलत है। निपो सिंह सॉरी, ठीक है,
उसके बाद निपो सिंह ने कर दिया है 83 का सी, बीरपाल सिंह ने सी कर दिया, विकास गुप्ता ने भी सी कर दिया। चलो नेक्स्ट 84, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद सीएल टू टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से किसका रिएक्शन सीएल टू के साथ करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, किसका रिएक्शन सीओ टू के साथ करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। विकास गुप्ता ने कर दिया 83 का सी, बीरपाल सिंह ने 83 का सी, जलंधर कुमार ने 83 का सी, मौर्य जी ने 83 का सी, संतोष ने सी, संजीव भारती ने सी कर दिया 83 का। 84 का बताना है सर, विच आर द फॉलोइंग रिएक्ट विथ सी एल टू टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। 84 का ए प्रीति जैन ने कर दिया, 84 का ए प्रीति जैन ने कर दिया, 84 का ए निशांत पराशर ने कर दिया, 84 का बी एमडी सर मैथ ने कर दिया है ए, संजीव भारती ने कर दिया ए। निशांत पराशर जी आपका हो गया गलत, आंसर क्या है 84 का ए है, 84 का ए है आंसर, ये है आंसर। सी ए ओ एच के होल ट्वाइस के साथ क्लोरीन को अगर हमने ट्रीट किया तो ये बनाता है सी ए ओ सी एल, कहां से लिखूं, अरे यार ये बन जाएगा क्या ब्लीचिंग पाउडर, सी ए ओ ओ सी एल, ओ सी एल का होल ट्वाइस। निशान पैसा का हो गया गलत, बाकी सबका सही है। नेक्स्ट सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें हम इसको हमने डिस्कशन किया है किसी क्लास में और अच्छा खासा डिस्कशन इस पर हुआ था। हाँ जी मंतोष कुमार यही होगा, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी करेक्ट है, डी करेक्ट है, इनमें से कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो निशांत प्रसाद ने दिया डी करेक्ट है, विकास गुप्ता ने दिया डी, निपो सिंह ने डी दिया है, प्रीति जैन ने लिख दिया है एफ, मौर्य जी ने भी दे दिया है डी करेक्ट है। सर सी नहीं, सर सी नहीं, कार्बन नहीं होगा सर, फ्लोरीन होगा सर, फ्लोरीन। 85 का डी करेक्ट है, जिन्होंने डी दिया है उन सबका करेक्ट है। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 एम सोल्यूशन ऑफ के एम एन ओ फोर विच विल रिएक्ट विद 50 एम एल ऑफ दिस वन, विच विल रिएक्ट विद 50 एम एल ऑफ 0.10 एम सोल्यूशन ऑफ C2O4 माइनस इन द एसिडिक सोल्यूशन इज, ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन के लिए बोल रहा है कि अगर के एम एन ओ फोर कितना है 0.20 है और C2O4 माइनस कितना है 50 ml है और उसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.10, तो K-MnO4 का वॉल्यूम कितना यूज होगा ये आपको बताना, K-MnO4 की वॉल्यूम कितनी होगी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे देखना, फॉर्मूला M1V1/M2V2 = M1 किसको मान रहे हैं, अगर हम M1 मान रहे हैं K-MnO4 को, इसको मान रहे हैं M1 और C2O4 माइनस को मान रहे हैं M2, राइट। अब बताओ कि MnO4 माइनस के आगे कितना लगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा हुआ है, तो इसके सामने लगा देंगे 2 और यहां लगा हुआ है 5 C2O4 के साथ, तो यहां लगा देंगे नीचे में डिवाइड बाई 5। MnO4 माइनस का दिया हुआ क्या कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.20, वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है डिवाइड बाई C2O4 माइनस का दिया हुआ क्या कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका 0.10 और इसका वॉल्यूम गिवन है 50 ml, 50 = 2/5। अब यहां से कैलकुलेट कर लो V की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा 0.10 × 50 × 2 डिवाइड बाई 5 × 0.20, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो ये 2 0 बच गया, ये 5 देख लो कितनी वैल्यू होगी, 10 × 2 = 2 ये बचा कितना 10 ml हो गया। 86 का बी, 86 का डी कहां से सर, 86 का बी हो रहा है, 86 का डी हो रहा है सर, 86 का बी हो रहा है सर, 86 का बी हो रहा है, कैलकुलेट करके देखो आप, 86 का बी हो रहा है
86 का बी हो रहा है। मैं फिर से आपको एक बार कैलकुलेशन बता देता हूँ। यहाँ ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ ये किया हुआ है, हमने ऊपर माना है KMnO4 और नीचे माना है C2O4 2-। KMnO4 में मोलरिटी गिवन है कितना, 0.20, और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो 0.20 इनटू वी डिवाइड बाई M2। M2 कितना, M2 दिया हुआ है 0.10, और वॉल्यूम दिया हुआ है 50 इक्वल टू 2/5। 2 कहाँ से आया और 5 कहाँ से आया, दिखा दिया आपको मैंने, 2 यहाँ लिखा हुआ है और 5 यहाँ लिखा हुआ है, राइट। चलो अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या, पॉइंट से हमने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 20 बच गया, नीचे 10 बच गया, इसको हमने काट दिया 2 टाइम्स, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ वॉल्यूम छोड़ दिया, ये 2 जाकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में 2, नीचे में आ गया 5 × 2, और नीचे ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा × 50, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 10 10 टाइम्स आंसर होगा क्या, बी। 86 का आंसर है बी। अगर जिन्होंने भी 86 का आंसर डी किया है या कुछ और किया है तो उनका गलत है, 86 का आंसर है बी। नेक्स्ट, अगर आपको मिल रखा है इसका आंसर, अगर आपको आंसर मिल रखा है कहीं तो वहां आंसर गलत मेंशन किया हुआ है, या जो पीडीएफ वो मिला होगा आपको उस पीडीएफ में, चूंकि मेरे को बाद में मिला था वो पीडीएफ तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाया, आंसर गलत था वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 87, हाउ मेनी मोल ऑफ Fe2+ और ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ MnO4-। MnO4- से को ऑक्सीडाइज करने के लिए Fe2+ कितना चाहिए, तो एक बार बताओ, MnO4- है और ये क्या है, Fe2+, किसने बोल रहा है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में MnO4- चेंज होता है किसमें, Mn2+ में, और Fe2+ किस में चेंज होगा, Fe3+ में। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, 7 से 2 पे जा रहा है, 5 का डिक्रीमेंट है, 2 से 1 पे जा रहा है, 1 का इंक्रीमेंट है, इन दोनों को अगर बराबर करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पूरी तरीके से Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा जब Fe2+ 5 मोल होगा, तो यानी कितना आंसर है डी, 87 का आंसर डी, 87 का आंसर डी। बीरपाल सिंह ने कर दिया है डी, मैथर ने कर दिया है डी, निपो सिंह ने कर दिया है डी, विकास गुप्ता ने कर दिया है डी, संजीव भारती ने कर दिया है डी, जिन्होंने भी कर दिया है डी उन सबका सही है। कैसे कैसे किया फिर से देखना, MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, Fe2+ में +2, Mn2+ में +2 और Fe3+ में +3। +7 से +2 जाने के लिए 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है और +2 से +3 जाने के लिए 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ऑक्सीजन नंबर अगर बराबर करना है तो इसका 5 है, इसका 1 है, हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां भी 5 से, इसके 1 मोल के लिए इसका 5 मोल चाहिए, आंसर है डी, 87 का डी, सबने आंसर सही आंसर कर दिया है। नेक्स्ट, 88, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन ब्लू CrO5, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना, जिनको पता होगा वही आंसर कर सकते हैं, क्रोमियम में CrO5 के क्रोमियम में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, CrO5 के क्रोमियम में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना, सी, प्रीति जैन ने कर दिया 88 का डी, मेरे को पता था, प्रीति जैन जी कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, 8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपने 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पता किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। देखो CrO5 का स्ट्रक्चर होता है CR डबल बॉन्ड O O O O O, ये होता है स्ट्रक्चर, और ऐसे स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन से इसका +2 हो गया, इस ऑक्सीजन से +1 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 हो गया, तो बताओ 1, 2, 3, 4 और इस ऑक्सीजन से कितना हो गया +2, टोटल कितना हो गया 6, 6 कहाँ है सी में, 88 का आंसर सी,
88 का आंसर सी, मोरेज ने सी कर दिया, अमिता सिंह ने सिक्स कर दिया है, जिंदर कुमार ने सी कर दिया, राहुल सागर ने सी कर दिया है, निप्पो सिंह ने मेरे भी मेरे ख्याल से सी कर दिया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ वीरपाल सिंह ने सी कर दिया है, संजीव भारती ने भी सी कर दिया है, मैथ सर ने भी सी कर दिया है, हाँ जी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है सीआरओ फाइव का। नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोलेबल वाइटामिन, फैट सोलेबल वाइटामिन कौन से होते हैं, फैट सोलेबल वाइटामिन कौन से होते हैं, हाँ सर सिर्फ आर यू और ओ एस शो करता है +8, बाकी कोई भी +8 ज्यादा शो नहीं कर सकता, इनमें फैट सोलेबल वाइटामिन कौन सा है, फैट सोलेबल वाइटामिन होता क्या है, पहले आपको यह पता होना चाहिए, फैट सोलेबल वाइटामिन होता है कीड़ा, कीड़ा कहने का मतलब, कीड़ा कहने का मतलब के ई डी ए, ये सारे फैट सोलेबल वाइटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे फैट सोलेबल, यानी कि आंसर क्या हो गया, ए आंसर है ए कीड़ा, हाँ जी 89 का है ए, प्रीति जैन ने दे दिया है, मैथ सर ने दे दिया है ए, विकास गुप्ता ने दिया है ए, संजीव भारती ने दे दिया है ए, राहुल सागर ने दे दिया है, जनेंद्र कुमार ने दे दिया है ए, निपो सिंह ने दे दिया है, सबका है ए, जिन्होंने भी आंसर कर दिया है ए उन सबका सही है। नेक्स्ट 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस कोबाल्ट, इसमें से किसमें कोबाल्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट है, इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट, कोबाल्ट कहते किसको है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन कौन सा होता है, विटामिन B12, B12 क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन दिस वन, ये क्या है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, सी होता है स्कॉर्बिक एसिड, थियामिन होता है B2, राइट। नेक्स्ट ये सब तो सबको पता है मेरे ख्याल से, ये तो कॉमन क्वेश्चन है सारे, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द 3D ऑर्बिटल विल बी स्प्लिटेड इनटू, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3D ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3D ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होता है, T2G और EG में दो लेवल हो गया, कौन सा, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड रहेगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो ये 5 बॉक्सेस किसमें, एक EG में और एक T2G में, ये EG में चेंज हो गया और ये T2G में चेंज हो गया, राइट EG में और दो लेवल में चेंज हो गया, तो आंसर क्या होगा, 91 का ए, संतोष कुमार ने सही कर दिया, प्रतिजा ने सही कर दिया है, निपो सिंह ने सही कर दिया, संजीव भारती ने सही कर दिया, विकास गुप्ता ने सही कर दिया, मैथ सर ने सही कर दिया है, राहुल सागर ने सही कर दिया, जलंधर कुमार ने भी सही कर दिया, मौर्य जी ने भी सही कर दिया, करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल सॉल्ट, इनमें से कौन डबल सॉल्ट नहीं है, इनमें से कौन डबल सॉल्ट नहीं है, कैसे पता चला कि डबल सॉल्ट नहीं है, यहां देखो KCl MgCl2 दो सॉल्ट है, FeSO4 NHFO4SO4 डबल सॉल्ट है, K2SO4 Al2SO4 डबल सॉल्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, NH3 सॉल्ट नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो गया, 92 का ए, 92 का एक डबल सॉल्ट नहीं है, 92 का ए सर, 92 का ए सर, डी नहीं, 92 का ए, देखो इसमें तो डबल सॉल्ट है, एक K2SO4 है और एक Al2SO4 है, तो दो सॉल्ट तो है इसके अंदर, इसमें ये भी मोर सॉल्ट है, इसके भी अंदर दो सॉल्ट है, KCl MgCl2 ये भी दो सॉल्ट, ये दो सॉल्ट नहीं है, COCl3.6NH3 ये दो सॉल्ट नहीं है, 92 का ए, 92 का ए। नेक्स्ट 93, इफ हुंस रूल इज नॉट फॉलोड, अगर हम हुंस रूल को फॉलो ना करें तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+, Mn+ और Cr ऑल हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन, Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट, Mn+ का मैग्नेटिक मोमेंट और Cr का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा अगर हम हुंस रूल को फॉलो ना करें, तो हुंस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले हम देखते हैं Fe2+ का, Fe का, Fe के लास्ट में कितना होता है, 4s2 और 3d6, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से होगा, यहां से लॉस होगा, राइट कितना, 3d6 में हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हुआ है, मतलब एक भी नहीं है इसके अंदर, Mn+ में कितना, 4s2 और 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो गया, Mn+ है, 3d6 में, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बचेगा क्या,
इसमें फोर ही ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन यहां गया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहां है, और ये पांच में एक दो तीन चार, दो चार और पांच, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एवन प्लस में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इवन दो, एक वहां एक यहां, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और क्या करेंगे हम, अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और बचेगा क्या, क्रोमियम, क्रोमियम में होता है 24 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितना, 4s2 और 3d4, 3d4 में एक दो एक दो। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस टू। तो एन इंटू सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका, किसी दो का बराबर है, किस दो का बराबर है, इस एफी में और इस क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन तो बच ही नहीं रहा, तो क्रोमियम और एफी का बराबर होगा, मैंगनीज का सबसे ज्यादा होगा, तो मैंगनीज का सबसे ज्यादा है, क्रोमियम और एफी का बराबर है, क्योंकि इन दोनों में जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। आंसर इज बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है बी, जिन्होंने भी आंसर दिया है बी उन सबका सही है। मॉरेज ने आंसर दिया है बी, सबका सही है, मॉरेज ने आंसर दिया है बी, और निप्पो सिंह ने दिया है सी गलत है, संजीव भारती ने दिया है बी सही है, बीरपाल सिंह ने दिया है बी सही है, जयेंद्र कुमार का एक गलत है, मंतोष कुमार का एक गलत है, विकास गुप्ता का सी गलत है, राहुल सागर का बी सही है। नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा मेटल है। सर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अगर आपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि Fe2+ में, Fe2+ में यहां से मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको करके, Fe के अंदर होता है कितने, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो 4s इलेक्ट्रॉन तो 4s से लॉस होगा, तो 4s तो जीरो हो गया, बचा कितना 3d, 3d में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, बोला हुंस रूल को फॉलो नहीं करना है, जब हुंस रूल को फॉलो नहीं करना है तो दो दो इलेक्ट्रॉन करके फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने दो इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन यहां फिल, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आप देखोगे एक और कौन सा था, एमएन प्लस, एमएन का होता है क्या, लास्ट में 4s2 और 3d5, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने बोल रहा है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहां एक बच गया अनपेयर के पास, एक बच गया, और यहां कितना 3d5, 3d5 में कितने अनपेयर, 5 इलेक्ट्रॉन है, फॉलो नहीं करना है हुंस रूल को, तो दो यहां गया, दो यहां गया और एक यहां गया, इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड, एमएन के पास दो अनपेड हो गए, जबकि क्रोमियम, क्रोमियम के पास लास्ट में कितना होता है, सीआर 4s2 और 3d4, ये पेयर्ड है ऑलरेडी, हुंस रूल को फॉलो नहीं करना है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो और एक दो, इसमें भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन, एफई में कोई अनपेड नहीं है, सीआर में कोई अनपेड नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बराबर होगा, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, दो है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो सबसे ज्यादा किसका, मैग्नीज का, एफी का जीरो जीरो, एफी का और सीआर का जीरो जीरो है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ तो जीरो है, तो एन की वैल्यू जीरो, मतलब कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। अच्छा मोस्ट टॉक्सिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा विषाक्त, मतलब जहरीला, इनमें से आपके ह्यूमन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो मैग्नीशियम चाहिए, सिल्वर इज भी चाहिए हमारे बॉडी के लिए, एल्यूमिनियम हमारे बॉडी के लिए चाहिए, कैडमियम हमारे बॉडी में नहीं चाहिए। आंसर क्या हो गया, 94 का सी, आंसर 94 का सी, प्रीति जैन ने समझ बता दिया है सी है, संजीव भारती ने बता दिया सी है, निपो सिंह ने सी बता दिया, राहुल सिंह ने सी बता दिया है, विकास ने सी बता दिया, जंदर ने सी बता दिया, बीरपाल सिंह ने सी बता दिया, सी बता दिया, हाँ जी पॉइजनस कहने का मतलब। नेक्स्ट 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर प्लस हाफ है, कौन पैरामैग्नेटिक है और बॉन्ड ऑर्डर प्लस हाफ है, O2 पैरामैग्नेटिक तो है बट बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, N2 डायमैग्नेटिक है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो आंसर क्या बच गया सिर्फ H2+। कैसे पता किया हमने, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, 14
फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन, 13 12 11 10, इसका बाउंड ऑर्डर 3, नीचे जा रहे हैं तो 2.5 कम कर लेंगे, तो 2.5 2 1.5 1, ऊपर जा रहे हैं तो कितना 0.5 कम कर लेंगे, 2.5 2 1.5 1। तो बताओ O2 का कितना होगा, O2 का 16 होता है, 16 के लिए 2 हो गया, N2 का कितना 14 होता है तो 3 हो गया, F2 का कितना 18 होता है तो 1 हो गया। तो मतलब इसका इन सबका तो पता चल गया, इनमें से किसी का भी प्लस हाफ नहीं है, तो प्लस हाफ किसका होगा, सिर्फ H2+ का। निपो सिंह का डी है सही है, विकास का डी है सही है, अमिता सिंह का डी है सही है, मैथ सर का भी डी है सही है, मौर्य जी का भी डी है सही है, राहुल सागर का भी डी है सही है, संजीव भारती का भी डी है सही है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, O2 इज डायमैग्नेटिक एंड N2 इज पैरामैग्नेटिक, पहला ही गलत हो गया, अभी बताया था O2 क्या है पैरामैग्नेटिक है और N2 क्या है डायमैग्नेटिक है, तो 96 का हो गया ए, 96 का क्या हो गया ए, सबसे पहला यही गलत हो गया, अभी बताया था कि O2 क्या है डायमैग्नेटिक और N2 क्या है पैरामैग्नेटिक, क्लियर, कुछ करने की जरूरत ही, 96 का क्या है ए है, 96 का ए। है सर, बी नहीं है ए है, 96 का ए है, O2 इज पैरामैग्नेटिक एंड N2 इज डायमैग्नेटिक, 96 का डी नहीं सर, O2 कंटेन टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड वन, अच्छा ये तो गलत है ना, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, सॉरी ये स्टेटमेंट सही है, 96 का डी होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने पूछ ये देखा नहीं था कि करेक्ट लिखा हुआ है, मेरे को लगा इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो स्टेटमेंट ये सही है, 96 का डी सही है, 96 का डी, 96 का डी है सही, हाँ जी 96 का डी है, हाँ हाँ करेक्ट पूछा है, मेरे से गलती हो गई, पूछा करेक्ट है, मैंने देख लिया था कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है 96 का आंसर है डी, 96 का आंसर है डी। 97 द सी सी एल बॉन्ड इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन कहने का मतलब सी डबल बॉन्ड सी, यहां भी सीएल लगा हुआ है, यहां सीएल लगा हुआ है, यहां सीएल लगा हुआ है, यहां सीएल लगा हुआ है और यहां सीएल लगा हुआ है, तो पूछ क्या रहा है बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है, sp2 करने का मतलब ये हो गया, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, आंसर इज ए, 97 का ए, 97 का ए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या एंगल क्या बनेगा, इस तरीके से यहां क्लोरीन लगा हुआ है, यहां क्लोरीन लगा हुआ है और यहां डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा एंगल हो गया 120 एंगल हो गया, इसलिए 97 का क्या हो गया ए, 97 का ए, 97 का डी नहीं है सर, 97 का ए है, एंगल पूछा है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, इथीन है सर, इथीन में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा 120 डिग्री एंगल। नेक्स्ट 98 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव फिनाइट डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट, किन सबका डायपोल मोमेंट इनफिनाइट नंबर में होगा, ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट, देखो ये OH है मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर से बना हुआ है, इसका तो होगा, इसका भी होगा, SO2 का स्ट्रक्चर होता है S लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, यानी इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, इसका नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है CO और ये CO, इसका इसकी तरफ एरो बनेगा, इसका इसकी तरफ एरो बनेगा, इसका इसकी तरफ एरो बनेगा, इसका इसकी तरफ, सब चारों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका छोड़कर बाकी सबका होगा डायपोल मोमेंट, तो आप 98 का थर्ड छोड़ दो, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 कहाँ है सी, 98 का सी, 98 का सी सर, कृष्ण गोपाल सिंह नमस्ते, मौर्य जी का 96 का 98 का सी हो गया, निपो सिंह का बी हो गया, निपो सिंह गलत है जी, बीरपाल सिंह का हो गया सी, दलेंद्र कुमार का हो गया सी, जिनका भी सी है
उन सब का सही है, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। वाटर या वाटर के जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उनका डाइपोल मोमेंट होगा, तो डाइपोल मोमेंट ये वाटर का डेरिवेटिव्स है, ये वाटर का डेरिवेटिव्स है, और इसमें चूंकि इस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट 99, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट योर फॉर्म द आंसर कोड गिवन बिलो। कौन सा किसके लिए होगा? CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा? CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा? CO3 2 सेकेंड का कैसे होगा? सर सेकेंड कहने का मतलब ये था ओ और ये बनता है एच, यहां भी ओ और ये बनता है एच, इसका डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ, कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ, इसका भी डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ, कैंसिल आउट नहीं होगा। 99 का बी CO3 2 माइनस का कौन सा होगा? कौन सा होगा? CO3 2 माइनस ट्राइगोनल प्लेनर, SO4 2 माइनस टेट्राहेड्रल या पिरामिडल, H3O होगा पिरामिडल, SO4 2 माइनस हो गया टेट्राहेड्रल और H2O होगा वी शेप। ए का हो गया टू, ए का टू कहाँ है? ए का टू इसमें है, इसमें है, इसमें है। बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है और किसी में नहीं है। चलो आंसर हो गया ए, 99 का ए, 99 का ए। राम नरेश प्रणाम सर, राम नरेश जी को प्रणाम। हाँ जी, जिन्होंने भी सही आंसर किया है, 9th का ए, 99 का ए है, सही है। नेक्स्ट 100, H2S2O7 हैज वन, H2S2O7 का स्ट्रक्चर क्या होगा? H2S2O7 ये है S डबल बॉन्ड O, OH, ओलियम है ये O, S डबल बॉन्ड O, OH और ये डबल बॉन्ड O, यानी SOS बॉन्ड होता है, SOS, SOS बॉन्ड ये है फर्स्ट। 100 का A, 100 का A। हाँ जी, H3O प्लस ये होगा ना, एक लोन पेयर, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H हो जाएगा, अमोनिया की तरह। अमोनिया देखो H2O में होता है दो लोन पेयर, H2O में होता है दो लोन पेयर, एक हाइड्रोजन आ गया तो H3O बन गया, इसका लोन पेयर उस हाइड्रोजन के पास चला गया तो एक लोन पेयर बचा, जब एक लोन पेयर बचेगा तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल, सॉरी पिरामिडल, नॉट टेट्राहेड्रल, पिरामिडल। इसका 100 का है ए आंसर। किसने दिया है आंसर? बीरपाल सिंह ने दिया है, अमिता सिंह ने दिया है, जलंधर कुमार ने दिया है, निप्पो सिंह ने दे दिया है, जिन्होंने भी 100 का ए सिंह ने लिखा है। सर मैं बहुत परेशान था, आप भी बत करने को, आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर मैं आपसे पहले पढ़ चुका हूँ, मुझको TGT साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिले। अच्छा, कृष्ण गोपाल सिंह, मेरे से आप पहले पढ़ चुके हैं, आई डोंट नो, मेरे को याद तो है नहीं, बट फिर भी सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं मिल सकता है आपको, लेकिन हाँ आप जब भी चाहो तो आप, ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, इस नंबर पे मैं बात कर सकता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्जी इन XGF6, एक्जी इन XGF6, एक्जी का हाइब्रिडाइजेशन XGF6 में कितना? मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ क्या था, एफ 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 और यहाँ एक लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और लोन पेयर काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 के लिए क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3, sp3d3 कौन सा है? डी। 101 का हो गया डी, 101 का डी हो गया। हाँ जी, हाँ जी करेक्ट है, 101 का डी हो गया, डी हो गया करेक्ट है। राम नरेश का सी नहीं है सर, डी है। मैंने क्या बोला, काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करना है और लोन पेयर काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करने पे कितना आ रहा है? 7, 7 कहने का मतलब sp3d3। जिनका भी आंसर 101 का डी है वो सबका सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज केमिकली इनर्ट, इनमें से कौन केमिकली इनर्ट होगा?
अब यहाँ देखो, यहाँ जो क्वेश्चन ऑप्शन जो गिवेन है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जो ऑप्शन गिवेन है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। केमिकली इनर्ट अगर आप देखोगे तो मोस्टली बच्चे इसको कर देते हैं, मोस्टली बच्चे इसको कर देते हैं HGF2 को, बट HGF2 का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब चूंकि इसमें लोन पेयर है इसलिए ये इनर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आके इसको अटैक कर सकता है, इसलिए 102 का डी नहीं होगा। आंसर होगा SF6। SF6 क्या होता है? SF, F, 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 F एंड ये F। SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट सब्सटेंस, SF6 काइनेटिकली इनर्ट सब्सटेंस है इसीलिए। क्यों? क्योंकि 6 फ्लोरीन सल्फर को प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए आंसर क्या है? 102 का सी है आंसर। ये मैंने बोला था कि कई सारे बच्चे इसको कर देंगे, HGF2 को कर देंगे, बट HGF2 में लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से HGF2 आंसर नहीं है। आंसर क्या है? SF6। और निप्पो सिंह ने सही कर दिया है, और संजीव भारती ने भी सही कर दिया है, जलंधर कुमार ने सही कर दिया, बीरपाल सिंह ने सी कर दिया है। अच्छा, निप्पो सिंह ने डी कर दिया था ना, गलत हो गया। जलंधर कुमार ने डी कर दिया, गलत हो गया। बीरपाल सिंह का सही है, प्रीति जैन का गलत हो गया, विकास गुप्ता का सही है, बीरपाल सिंह का आप सही है, संजीव भारती का गलत हो गया, डी कर दिया था, सी होगा सर। मौर्य जी का सही है, निप्पो सिंह का सही है। हाँ, मौर्य जी ने सही बताया कि इसमें लोन पेयर नहीं है इसलिए ये हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट है 103, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड इन वाटर वेरी इन द ऑर्डर। कैसे कैसे वेरी करेगा, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कैसे पता चलेगा? LiF, NaF, KF, RbF और CsF, इनमें से कौन? देखो, कभी भी इन दोनों का इक्वल तो नहीं होगा, और यहां भी इक्वल दिया हुआ, ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया वैसे ही, बस गया ए और बी। ए और बी में कैसे पता करेंगे? निपो सिंह ने बता दिया है बी, और मैथ सर ने बता दिया है ए। निपो सिंह ने बता दिया है बी और मैथ सर ने बता दिया ए। कंफ्यूजन है कौन सा? जनरली देखा यह जाता है, जनरली यह देखा जाता है कि जिसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा वो ज्यादा सोलेबल है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी सब में फ्लोरीन है, फ्लोरीन की हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। ओके, फ्लोरीन की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन सब में है, तो फ्लोरीन से चेक तो होगा नहीं, तो फिर किससे चेक होगा? फिर चेक होगा कि जो मेटल है उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगी, किसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा? सर बीरपाल सिंह जी, 103 का सी तो मैंने पहले ही बता दिया कि नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे, या तो हम मेटल पे चेक करेंगे या फिर नॉन मेटल पे चेक करेंगे। मेटल पे चेक करेंगे तो लिथियम का ज़्यादा होता है सोडियम से हाइड्रेशन थैल्पी, सोडियम का ज़्यादा होता है पोटेशियम से, पोटेशियम का ज़्यादा होता है रुबिडियम से, रुबिडियम का ज़्यादा होता है सीजियम से। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, ये हाइड्रेशन थैल्पी को फॉलो नहीं करता, यानी कि फ्लोराइड हाइड्रेशन एंथैल्पी को फॉलो नहीं करता, लैटिस एंथैल्पी को फॉलो करता है, हाइड्राइड लैटिस एंथैल्पी को फॉलो करता है। जिसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा वो ज्यादा सॉलेबल होगा। तो लैटिस एंथैल्पी किसका? CsF का, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम लैटिस एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में इंक्रीज करता है। तो आंसर क्या होगा? बी, लैटिस एंथैल्पी पे डिसाइड करेंगे। आंसर आंसर क्या होगा? बी, लैटिस एंथैल्पी पे डिसाइड करेंगे। लैटिस एंथैल्पी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉलेबल होगा, राइट। नेक्स्ट, निपो सिंह का सही है, मैथर गलत हो गया, संजीव भारती का सही है, अमिता सिंह का सही है, विकास गुप्ता का सही है, मौर्य जी का सही है, जयेंद्र कुमार का सही है, नरेश जी का गलत हो गया और बीरपाल सिंह का गलत हो गया। नेक्स्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। BaSO4 वाटर इनसॉल्युबल नहीं है, क्यों भाई? लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 इज मोर देन द हाइड्रेशन इनथैल्पी, लैटिस इनथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन इनथैल्पी से। BaSO4 वाटर में सोलेबल नहीं है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, इस वजह से या कुछ और रीजन है आपको बताना है। 104 क्या देखेंगे, क्या BaSO4 सोलेबल है वाटर में, क्या ये सही है या नहीं है? तो BaSO4 वाटर में सोलेबल नहीं है, ये तो सही है, BaSO4 वाटर में सोलेबल नहीं है।
क्यों नहीं है, तो क्या इसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है हॉट एंथैल्पी से? तो मैंने अभी क्या बताया कि हम ग्रुप, सर हम ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में क्या चेक करते हैं कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है, सॉरी टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा ज़्यादा होता है, और ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में लैटिस एंथैल्पी पर डिपेंड करता है क्या, सॉलिबिलिटी। तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो इसको तो सॉल्युबल होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या ये स्टेटमेंट, रीजन गलत है, असर्शन सही है। रीजन गलत है, असर्शन सही है, कौन सा है? रीजन गलत है, असर्शन सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, ये तो गलत हो गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी हो गया सर। दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है। अमिता सिंह ने सी बता दिया, सी करेक्ट है। दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट नहीं है। एसर्शन सही है, रीजन हो गया है गलत। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट 105, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन? इनमें से किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एसिडिक का, एसिड के बेसिस पे किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? एच बी आर ओ, एच आई ओ, एच सी एल ओ, या एच आई ओ, एच बी आर ओ, एच सी एल ओ, एच सी एल ओ, एच बी आर ओ, एच आई ओ, मतलब किसका, किसका एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? 105, किसका एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? कौन से ऑप्शन का एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? किस ऑप्शन का एसिडिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बताना जल्दी से। यहां देखो, सब में हाइड्रोजन है, सब में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में है, डिसाइड किस पे होगा? क्लोरीन पे। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा होगा, और बाकी ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम होगा। 105 का सी, 105 का सी है, 105 का सी है, 105 का सी। नेक्स्ट, जेनॉन रिएक्ट विद, जेनॉन किसे रिएक्ट करता है? जेनॉन रिएक्ट विद, जेनॉन रिएक्ट विद किसके साथ? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, गलत। जेनॉन किसके साथ रिएक्ट करता है? एक जी एफ टू बनाता है, एक जी एफ सिक्स बनाता है, एक जी एफ फोर किसके साथ? फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ? एक जी ओ थ्री बनाता है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यानी कि बी। 106 का बी, 106 का बी, 106 का बी, हाँ जी, आप सबने सही आंसर किया है, 106 का बी है, क्योंकि हैलोजन यानी कि जेनॉन मेजरली रिएक्ट करता है किसके साथ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, उसके साथ। करेक्ट है, मौर्य जी का भी करेक्ट है, संजीव भारती का भी करेक्ट है। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? 107 नंबर, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉसिबल ही नहीं है, यही गलत हो गया। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये तो हो सकता है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये गलत हो गया। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ये भी गलत, ये सही है। 107 का बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगा। 7 का है क्या? बी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती, गेन करने की नहीं होती, किसी से छीनने की नहीं होती। 107 का है बी। नेक्स्ट 108, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है सिर्फ? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव में, तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फर्स्ट क्या होगा? नेगेटिव में, ये होगा पॉजिटिव में। सेकंड इसका लेस नेगेटिव होगा, और इसका क्या हो जाएगा? इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाला क्या होता है? नेगेटिव में होता है। आंसर क्या है? सी, 108 का सी, 108 का सी, 108 का सी। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या सिर्फ है? अंतर है सिर्फ साइन में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होता है।
ये फर्स्ट वाले की बात है। सेकंड वाले को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी है, जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर, ठीक है, वाइल सेकेंड कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। क्यों? फर्स्ट जिंक का ज्यादा है लेकिन सेकंड बोल रहा है क्या, कॉपर का ज्यादा। क्यों ऐसा क्यों हो जा रहा है? बोल रहा कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जिंक का क्या हो रहा है, ज्यादा है, कॉपर का क्या हो रहा है, कम है। बट सेकंड वाला बोल रहा है क्या, जिंक का कम हो गया, सेकंड बोला वाला जिंक का कम हो गया और कॉपर का ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों? 109, जिंक है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता। जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिंक में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिल्ड एस ऑर्बिटल। इन कॉपर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ कॉपर, वाइल इन केस ऑफ जिंक सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एस ऑर्बिटल। आंसर क्या है? नाइन्थ का डी। बोल रहा है कि कॉपर में क्या होगा, कॉपर में लास्ट में क्या होता है, 4s1 and 3d10। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, अब कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो यहां से निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। नाइन्थ का क्या हो गया, डी, नाइन्थ का डी। नेक्स्ट, टेंथ, फंक्शन साई स्क्वायर इन स्क्रोडिंगर इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंट दैट। साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर क्या बताता है स्क्रोडिंगर इक्वेशन में, साई स्क्वायर क्या बताता है, साई स्क्वायर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहां है देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं एम्पलीट्यूड नहीं बताता, ये एम्पलीट्यूड नहीं बताता। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो बोर्ड से पता चलता है, आंसर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, तो 110 का क्या हो गया, बी, 110 का है बी। निपो सिंह ने कर दिया बी, राम रेस्ट ने कर दिया बी, संजीव भारती ने कर दिया बी, मौर्य जी ने कर दिया बी, विकास गुप्ता ने भी कर दिया बी, जिन्होंने भी बी किया है सबका सही है। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन 2s, 2s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना, 2s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना, हाँ जी, 2s का ऑर्बिटल एंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, 2s का फॉर्मूला l इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2π, ये फॉर्मूला होता है। 2s है, s इक्वल टू क्या, जीरो, जीरो इंटू जीरो प्लस वन, तो कितना, पूरा का पूरा जीरो हो गया, आंसर क्या, बी, 111 का बी, 111 का बी। निपो सिंह ने कर दिया है बी सही है, विकास गुप्ता ने कर दिया जीरो सही है, राम नरेश ने कर दिया बी, मौर्य जी ने कर दिया जीरो, जलंधर कुमार ने कर दिया 111 का डी। डी कैसे सर, डी तो पॉसिबल ही नहीं है सर, जीरो इंटू जीरो प्लस वन पॉसिबल कैसे है, बी। भारती ने कर दिया बी करेक्ट है। नेक्स्ट, बारह नंबर, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। पॉलीज क्या बताता है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, यानी ए के लिए हो गया टू। हिंजबर्ग क्या बताता है, हाइजनबर्ग बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोर। ऑफबॉ क्या बताता है, ऑफबॉ बताता है कहां गया, एनर्जी लेवल, ठीक है। और हुंड्स क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ए का हो गया टू, ए का टू यहां है और ए का टू यहां है, बी का हो गया फोर, बी का फोर यहां है, बी का फोर यहां है, सी का हो गया वन, सी का थ्री, सी का वन, यहां आंसर हो गया 112 का सी, 112 का सी, 112 का सी। संजीव भारती ने सही कर दिया 112 का सी, विकास गुप्ता ने सी कर दिया, प्रीतिजा ने बी का, गलत हो गया, मौर्य जी का सी सही है, निपो सिंह का भी सही है,
हाँ सर सी है, प्रीति जैन जी सी है, जलंधर कुमार का भी सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज, एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला है एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34, सी की वैल्यू 3 × 10^8, और नीचे लेमडा कितनी 200 नैनोमीटर, यानी कि 200 × 10^-9 मीटर। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर मीटर से मीटर कैंसिल, ये जूल सेकेंड, जूल से सेकेंड सेकेंड कैंसिल, आंसर जूल में आएगा। कितना आएगा आंसर देख लेते हैं। ये 9 ऊपर चला गया तो 17 हो गया, 17 यानी कि 6.626 × 3 19 के आसपास, ये हो जाएगा 19 के आसपास, ये जो वैल्यू होगी वो होगा 19.9 × 10^-17 / 200। 2 0 और ऊपर कर देते हैं इसका, 20 10, 9.2 0 और ऊपर कर दिया तो ऊपर जाकर नेगेटिव 19 हो जाएगा, ये आंसर हो गया डी। आप करके देख लो डी, अच्छा आपने कर दिया, पहले गुड। 113 का डी, 113 का डी, 113 का डी, सबका सही है, जिन्होंने भी 113 का डी किया है सबका सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, सी नहीं सर डी, -28 नहीं हो सकता ना सर, देखो 17 दे ऊपर जाएगा तो 19 ही तो होगा, 17 कहाँ से। हाँ हाँ पावर मैच कर दीजिए हो जाएगा, मैंने भी तो वही किया ना, मेरे को पता था कि इसका ये 20 के आसपास है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 के आसपास की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू क्या 19 के आसपास। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट, 4s ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी देन 3d, 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, 4s की एनर्जी क्या होती है 3d से कम होती है, क्यों? क्योंकि इसके n प्लस l की वैल्यू क्या होगी कम होगी, n प्लस l की वैल्यू कम होगी। हाँ जी देख लिया, अब मैं तुम्हारा नाम क्या पढ़ूं, CRA KRAOTAN गेमर, निपो सिंह 114 का सी करेक्ट है, बीरपाल सिंह 114 का बी, लेसर वैल्यू ऑफ एल, एल का अधिकतम मान नहीं सर, यहाँ तो डी भी तो है, 4 है यहाँ, 3 है तो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू पे भी तो डिपेंड करेगा ना। नेक्स्ट 114, 115, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, ये 13.6 है, आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 है। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम, हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 13.6 हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 × 10^2 और फर्स्ट शेल पे होगा तो 1 स्क्वायर, तो 13.6 × 4 36.6 और इंटू 4 कर लिया, 13.6 इंटू 4 कितना, 13 × 52, 6 × 24, 54.6 4 के आसपास ये। हाँ जी 115 का ए है। हाँ जी ये जो ये सारे क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन इसके टीजीटी में यूजफुल है सर, मतलब 50% क्वेश्चन। नेक्स्ट 116, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन है उसे कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2-मिथाइल ब्यूटेन है तो CH3 2-मिथाइल ब्यूटेन ठीक है ये है। अच्छा एक चीज और, CH2 CH3, एक Cl हम यहाँ लगा सकते हैं, एक Cl यहाँ लगा सकते हैं, और एक Cl यहाँ तो यहाँ या फिर यहाँ लगा सकते हैं, 3 हो गए, 4 यहाँ भी तो लगा सकते हैं, 4 हो गया, आंसर डी, आंसर इज डी सर, 116 का डी होगा सर,
116 का डी होगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 116 का डी है। हम क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं, क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं, क्लोरीन या तो यहाँ या फिर यहाँ लगा सकते हैं, और फिर क्लोरीन यहाँ से लगा सकते हैं। तो टोटल चार हो गया आइसोमर्स। 117, विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टेफलॉन। टेफलॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? टेफलॉन इज हाईली रिएक्टिव, गलत। टेफलॉन हाईली रिएक्टिव नहीं होगा। अगर हाईली रिएक्टिव होता तो टेफलॉन के ऑर्नामेंट्स नहीं बन रहे होते। टेफलॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड अफेक्ट। टेफलॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेट्राफ्लोरो इथाइलीन, और टेफलॉन मे बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो टेफलॉन इज हाईली रिएक्टिव, यही करेक्ट नहीं है सर। टेफलॉन इज हाईली रिएक्टिव, ये करेक्ट थोड़ी है, तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ये ए स्ट्रॉन्ग एसिड से अफेक्ट हो जाता है, टेट्राफ्लोरोथीन से होगा, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी यूज होता है ये। यानी कि सर मोरेजी के सी कैसे सर? टेट्राफ्लोरोथीन इसी से बनता है ना सर, CH, सॉरी CH नहीं, CF। ये बनता है किससे? CF2 और CF2 इसी से बनता है ना सर। नेक्स्ट आंसर इज ए, 118। रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl2 यील्ड पी टॉलुटाडाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। CO और HCl के साथ रिएक्शन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? जब भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन आता है, कर दूंगा सर एक सेकंड, जब भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन आता है तो आपको ड्राई रन करना जरूरी है। ये टॉलुइन है, और टॉलुइन का रिएक्शन करवाइए किसके साथ? CO और प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये? गैटरमैन कोच रिएक्शन है ये। ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, बी 118 का बी, ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है। हाँ जी, ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद एसीटामाइड टू फॉर्म मिथाइल अमीन। एसीटामाइड से मिथाइल अमीन, एसीटामाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 से बनना क्या है? मिथाइल अमीन, यानी कि CH3 NH2। ये कौन सा रिएक्शन लग रहा है आपको? ये है हॉफमैन ब्रोमाइड, और हॉफमैन ब्रोमाइड यूज क्या करते हैं? Br2 एंड प्लस एक्वस KOH या NaOH, इन दोनों में से कोई भी, NaOH और Br2। सी 119 का सी, 119 का सी सर, बी नहीं, सी 119 का सी हॉफमैन ब्रोमाइड है। नेक्स्ट एक सौ बीस, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? ये है सैलिसिलिक एसिड, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये CH3 के साथ। तो क्या बनाएगा ये पूरा का पूरा इस एच को हटा करके इस ओ के साथ लग जाएगा, कंपाउंड बनेगा बेंजीन के ऊपर दिस वन, ये COH लगा हुआ है पहले से, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एक और बीच में आएगा, और CH3। अच्छा ये वाला बीच में ओ नहीं आ रहा है, ओ हो गया और सी डबल बॉन्ड CH3, ये नहीं आएगा बीच में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस्पिरिन, और एस्पिरिन कहाँ यूज होता है? पेन किलर में। 120 का बी हो गया। हाँ जी 120 का बी, सबने 120 का बी बता दिया, सही है। नेक्स्ट 121, इस रिएक्शन को कंसिडर कीजिए, इसमें पी के साथ Br2 आया हुआ है, मतलब क्या है? HBZ रिएक्शन है ये, जाके Br यहाँ लगेगा, और उसके बाद हमने एक्वस एनएच के साथ करवा दिया, यानी कि Br को यहाँ से हटा करके यहाँ OH लगा दो, ये कंपाउंड बन गया CH3 CH नीचे OH और ये COOH, ये बन जाएगा कंपाउंड। कौन सा ये? 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, यानी कि B। हाँ जी डिस्प्रिन की तरह, मौर्य जी ने सही बताया, बिल्कुल डिस्प्रिन की तरह एक्ट करता है। 121 का है क्या? B, पहले P और Br2, P4 एंड Br2, तो ब्रोमीन यहाँ लगा, और फिर उसमें हमने डाल लिया क्या? एक्वस एन ओ एच, तो ब्रोमीन को हटा करके OH लग गया इस तरीके से।
आंसर है 121 का बी। हाँ जी करेक्ट। नेक्स्ट 122, कौन सा रिएक्शन है ये, कैसा लग रहा है ये? एक ये है एल्डिहाइड, ये दूसरा एल्डिहाइड, दोनों में क्या अल्फा हाइड्रोजन है और ये बना क्या रहा है CHO और OH, मतलब OH भी है और CHO भी है, मतलब एल्डोल एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, मतलब ये क्या है एल्डोल कंडेंसेशन है, सेल्फ एल्डोल है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल एडिशन मत लिख देना, एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल एडिशन नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन बी, एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट 123, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, कौन सा रिएक्शन है ये? हंसडीकर रिएक्शन है। हंसडीकर रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? फ्री रेडिकल। हंसडीकर रिएक्शन में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। हंसडीकर रिएक्शन किस में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। यहां का आर फ्री रेडिकल फॉर्म में निकलेगा, एक और यहां आएगा आएगा, ये भी आर फ्री रेडिकल फॉर्म में निकलेगा और बनाएगा क्या आर आर, या फिर यहां का बी आर और यहां का आर निकलेगा फ्री रेडिकल में बनाएगा क्या आर बी आर। ये आंसर क्या है? बी, फ्री रेडिकल में। नेक्स्ट 100 रिएक्शन, इस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना हुआ है? बेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कब बनेगा? दो तरीका है, या तो इथाइल अल्कोहल या फिर H3PO2, इथाइल अल्कोहल या फिर H3PO2, इन दोनों से ही बनता है, इथाइल अल्कोहल और H3PO2, बस इसी दोनों से बनता है। यहां दिया हुआ है आंसर H3PO2, इससे नहीं इससे नहीं इससे नहीं। डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनेगा दो तरीके से, इथाइल अल्कोहल से या H3PO2 से, और यहां आपको H3PO2 दिया हुआ है। 124 ना 125, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द एडजॉर्प्शन ऑफ वेपर ऑफ ऑन क्लीन सरफेस, एडजॉर्प्शन ऑफ वेपर ऑन अ क्लीन सरफेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिकॉज क्यों है? चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस इज हाईली पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि गैस जाके सॉलिड पे एडजॉर्ब हो रहा है, तो मोल कम हो गया, बॉन्ड बनेगा तो मोल कम होगा, और मोल कम होगा तो एंट्रोपी नेगेटिव में होगा। इंथैल्पी चेंज इज हाईली पॉजिटिव, इंथैल्पी क्या हो रहा है? बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होगा, तो न ए हुआ न बी हुआ। चेंज इन द एंट्रोपी इज जीरो, ये भी गलत। चेंज इन द इंथैल्पी इज हाईली नेगेटिव, बिल्कुल ये डी होगा। जब दो चीजों के बीच बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो आंसर क्या हो गया 125 का डी। ये टोटल क्वेश्चन हो गया आप हमारा 125, पिछले क्लास में 50 और आज के क्लास में 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आप तैयारी करते रहिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, ऑल द बेस्ट, ओके।